सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्रेष्ठ वही है जिनमें दृढ़ता हो जिद नहीं, बहादुरी हो जल्दबाजी नहीं, दया हो कमजोरी नहीं। भाग्य और झूठ के साथ जितने ज्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म और सच पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज्यादा रहेगा। सारा करिश्मा मोहब्बत का है, वरना कौन पत्थर की दीवारों को ताजमहल कहता है। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 11:10 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 2 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपने समस्या को सुधार लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है, दिन कुल मिलाकर मजेदार रहेगा। आज के दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि का भी दिन रहेगा। आज आपको साझेदारी में व्यापार करने से लाभ होगा जो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। आज आपको अपने जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें आपको यह देखना होगा कि जो कार्य अति आवश्यक है उसे पहले करें। यदि आपने किसी से धन उधार लिया हुआ है तो आज आप उसे उतारने में सफल रहेंगे जिसके कारण आपका मन प्रसन्न होगा। संध्या काल का समय आज आप किसी धार्मिक समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। इस राशि वालों के लिए दिन व्यापारिक मोल भाव के लिए दिन बहुत अनुकूल भी रहेगा जिससे आपको अच्छे व्यापारिक परिणाम मिलेंगे। किसी नए व्यापारिक ऑर्डर को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट से जुड़े काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भूमि संपत्ति से संबंधित किसी सौदे से धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर आ रही समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों के साथ खुलकर बातचीत कर पाएंगे। अपने आसपास के लोगों से ठीक से पेश है अन्यथा संबंधों में दरार आ सकती है। मित्रों के साथ किसी सेमिनार में जा सकते हैं जहां आपको नई जानकारी मिलेगी। संध्या काल के समय किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। सावधानियां, सीने में दर्द की शिकायत रह सकती है, आपको अपना थोड़ा ख्याल रखना होगा। आज आप विश्लेषण के मूड में भी हैं। आप सोचेंगे कि आप जिंदगी में कहां तक सफल हुए हैं और इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है। आप ये भी सोचेंगे कि अब आगे जिंदगी आपको कहां ले जाएगी। इस आत्मविश्लेषण से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करते आ रही हैं और आपको खुश करने की कोशिश पर भी आपके ठंडे मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करते रही हैं। अगर आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो भी उन्हें माफ कर दें। वो खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। बात करते हैं करियर की। व्यवहारिक स्थिति आज आपको काफी तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचि कर दिखेगा, इसलिए आपको दक्षता से अपने दोनों प्रतिबद्धताओं को निभाना होगा। आप अपने काम को नजरअंदाज न करें, हालांकि आपका मन इधर उधर भागेगा।
आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकती हैं। बात करते हैं सेहत की। आप आसानी से समय के अपने स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का जायजा अपनी मानसिक दृष्टि से ले सकते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आते हैं उसे लिख लें, जो आपको व्यर्थ लगता है उसे जाने दें और बेहतरीन सेहत पाने के लिए जो जो कदम आप उठा सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अपने सामने रखें। ताजा भोजन से ही स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को काली तिल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।